खाद्य विभाग के चर्चित चावल घोटाले में आरएफसी कुमाऊं ने ऑडिट आपत्तियों पर राज्य सरकार को साक्ष्य सौंप दिए हैं। सूत्रों के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट की आपत्तियां और विभागीय साक्ष्य के आधार पर की गई प्रारंभिक जांच में इस घोटाले की पुष्टि हो रही है। ये घोटाला पहले की सरकार में 2015-16 और 2016-17 के दौरान का है। धान खरीद से लेकर चावल तैयार करने, पैकिंग और गोदामों में पहुंचाने में घोटाला हुआ था। एसआईटी ने इसे 600 करोड़ रुपये का घपला माना था, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में घपला 600 करोड़ से कम पाया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर वित्त विभाग ने स्पेशल ऑडिट किया। ऑडिट रिपोर्ट पिछले दिनों खाद्य विभाग को सौंपी गई थी। खाद्य सचिव सुशील कुमार ने विभागीय जांच शुरू करते हुए ऑडिट की आपत्तियों पर कुमाऊं के आरएफसी से रिपोर्ट मांगी थी। ऑडिट राज्य सरकार द्वारा करवाया गया था और विशेष ऑडिट की उन वर्षों की रिपोर्ट वित्त विभाग ने फिर एक समिति बनाई, उन्होंने उसका परीक्षण किया और कुछ बिंदुओं पर आख्या मांगी गई है खाद्य विभाग से। तो वो आख्या हमने आरएफसी कुमाऊं से, क्योंकि ये मामला कुमाऊं रीजन का है, आरएफसी कुमाऊं से ली गई है जो अभी प्राप्त हुई है, और उसका परीक्षण करके पुनः वित्त विभाग को भेजा जाएगा।